हेलो एवरीवन मेरा नाम अश्मिता है आज के इस वीडियो में हम सिविल सर्विसेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर वन है ये एंड uh, इसमें आज का जो क्वेश्चन रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे वन फिफ्टी वर्ड्स के अंदर वो है व्हाट वाज़ द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनालिज्म तो क्या डिफरेंस था महात्मा गांधी के वे में और रविंद्र टैगोर के वे में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या फिर नेशनलिज्म की बात करते हैं महात्मा गांधी प्लस रबींद्रनाथ टैगोर प्रोमिनेंट फिगर्स थे इंडियन इंडिया के स्ट्रगल के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में तो लेकिन जैसे कि होता है ना कि हर इंडिविजुअल का एक अलग से सोच होता है तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का और रविंद्र नाथ टेगोर जी का भी डिफरेंट डिफरेंट सोच था टुवर्ड्स एजुकेशन एंड टुवर्ड्स नेशनलिज्म गांधी एक एडवोकेट थे नाई तालीम का या फिर जो जिसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे एम्फसाइज करते थे मैनुअल लेबर पे एम्फसाइज करते थे मॉरल डेवलपमेंट में मतलब मॉरल वैल्यूज एथिकल वैल्यू एथिकल वैल्यूज पे हम फोकस करते थे देखिए ये चीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स मैनुअल लेबर एंड मॉरल डेवलपमेंट गांधी जी बिलीव करते थे कि एडुकेशन का जो रोल है एक इंडिविजुअल के लाइफ में वो है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटीज़ वेलफेयर अगर आप एडुकेटेड हो रहे हैं तो आपका जो एडुकेशन है उसे आप सोसाइटी में चेंजेस लाइए सोसाइटी के लोगों के लिए आप अच्छा चीज़ कीजिए एंड इट ऑल्सो हेल्प लाइक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी शुड ऑल्सो हेल्प आस टू बिकम सेल्फ रिलायंट मतलब खुद के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए अगर आप खुद एजुकेटेड हैं तो आपसे सब कुछ हो होगा ठीक है आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं तो गांधी का ये जो विजन था इससे जो गैप है एजुकेशन और डेली लाइफ में ये जो गैप है ना ये पूरा खत्म हो गया था तो एडुकेशन अगर आप एडुकेटेड हो रहे हैं तो इसको आप अप्लाई करोगे डेली लाइफ में प्रैक्टिकल स्किल्स को अप्लाई करोगे डेली लाइफ में तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं द अप्रोच वॉज मोर हॉलिस्टिक एंड रेलिवेंट ठीक है आते हैं टैगोर की तरफ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कि हम जानते हैं पोएट हैं एजुकेटर हैं फिलोसोफर हैं लाइक राइटर हैं तो ये सभी एक ही uh, एक ही चीज़ दर्शाते हैं कि टेगोर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड प्राइमरीली एक फिलोसोफर थे तो फिलोसोफर की बात कभी न कभी कहीं ना कहीं खटकते ये इसीलिए है क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग पे कभी न कभी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिकल रीजनिंग पे बेस नहीं होता है ठीक है लेकिन फिर भी हम आ, इस पॉइंट को मतलब ऐसे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे जस्ट एक्सप्लानशन दिया है मैंने कि फ़िलोजॉफ़र कौन होते हैं तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम टैगोर को देखेंगे ही वॉज एन एजुकेटर फिलोसॉफर पोएट राइटर ही फाउंडेड शांति निकेतन विच वॉज एन इंस्टीट्यूशन इज़ फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ विश्व भारती विच इज़ अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विच लाइक लेस इंपॉर्टेंस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक अमेल्गमेशन है इंटीग्रेशन है टैगोर बिलीव करते थे इन अ मोर लिबरल एंड मोर कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सिस्टम जो दैट माइट इनकारीज मोर क्रिएटिविटी वो उतन, वो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन नहीं चाहते थे आ, वो चाहते थे मतलब खुले आसमान के नीचे पढ़ पढ़ना पर, पर, पढ़ना चाहते थे क्रिएटिविटी में विश्वास रखते थे क्योंकि वो खुद फिलोसोफर थे उनका जो इमेजिनेशन है पावर है उसको कोई बंद नहीं कर, कर सकता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कहीं मतलब कहीं पे भी, भी वो सोच सकता है किसी चीज के बारे में भी वो सोच सक, सोच सकता है कोई पाबंदी नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग पे जो ज्यादा फोकस करेगा ऐसा एक एजुकेशन चाहिए था इट वॉज काइंड ऑफ एन अप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स ठीक है अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे प्रीवियस तो हमने अभी डिस्कस किए हैं एजुकेशन के दोनों डिफरेंट अप्रोचेस अभी अगर हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो गांधी जी जो हैं उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर नॉन वायलेंट सिविल डिजोबीडियंस एंड मास मूवमेंट्स टेगोर ऑन द अदर हैंड वॉज क्रिटिकल ऑफ नैरो नेशनलिज्म वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एन एग्रेसिव एंड एक्सक्लूसिव पैट्रियटिज्म तो टैगोर एम्फिसाइज करते थे ऑन अ मोर यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच ऑन अ मोर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच टू नेशनलिज्म रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमांग द नेशंस। तो यहाँ पे गांधी जी नॉन वायलेंस पे बेस करते थे मास मूवमेंट्स होता था लेकिन नॉन वायलेंस पे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विश्वास रखते थे Uh, उल्टा तरफ जो uh, रविंद्रनाथ टैगोर है वो ज़्यादातर यूनिवर्सल यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच पे विश्वास रखते थे ही वॉन्टिड कोऑपरेशन अमांग द नेशंस सो दीज डिफरेंसेस हाईलाइट द नू एंडस्ट पर्सपेक्टिव विद इन द ब्रॉडर मूवमेंट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस तो क्योंकि यहाँ पे वन फिफ्टी वर्ड्स के अंदर लिखना था इसलिए आपको छोटा लिखना है अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जो ज़्यादातर वर्ड्स वाला क्वेश्चन है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ही एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करना है फ़ॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग तो आप ज्वाइन कीजिए एंड अगर आपके मन में फिर भी क्वेरीज है नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए थैंक यू फॉर बींग विथ मी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में